हे गाइस, वेलकम टू द वीकली मूवी रिकमेंडेशंस विद संकेत। सो आज का मेरा पहला रिकमेंडेशन है 1992 की एक जर्मन लैंग्वेज फिल्म कॉल्ड बेनीज वीडियो, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय माइकल हानिके। सो इस फिल्म में बेनी नाम का एक लड़का रहता है, विया नाम है। वो क्या करता है कि बहुत सारे वायलेंट वीडियोस और बहुत सारे वायलेंट मूवीज़ देखते रहता है। सो एक दिन उसको एक वायलेंट वीडियो मिलता है जो उसके डैड के एक क्लोजेट से रहता है, उसके फार्म डैड के फार्म से लाइक उन लोग रिकॉर्ड करते हैं। सो वो वायलेंट वीडियो को देखता है और वो वीडियो में ऐसा रहता है कि पिक को स्लॉटर करने से पहले कैसे वो पिक को एक गन से शूट गोली मारता है, उसका वीडियो रहता है। तो वो वीडियो वो बहुत बार रिपीटेडली देखता रहता है। सो बेसिकली वो वीडियो उसको बहुत लाइक ऑब्सेस जैसा हो जाता है। और फिर जाके वो क्या करता है कि वैसा ही जो वीडियो में जो किया था वैसा खुद रियल लाइफ में वो करने का ट्राई करता है। सो वो एक लड़की को बुलाता है और वैसा ही सेम चीज़ करता है, उस इतना ब्रूटल चीज़ करता है। सो आगे उस लड़के के साथ क्या क्या होता है उसके लिए ये फिल्म आपको देखना होगा। सो बेसिकली डायरेक्टर माइकल हानिके ने ये फिल्म में क्या किया कि लाइक जैसे टाइटल में ऐसा दिया है कि ये वीडियो के बारे में है, तो उन्होंने बहुत सारे टाइम पे ऐसा किया कि एक वीडियो लाइक कैमकॉर्डर जैसा रहता है उससे शूट करते हैं। तो वो पूरा थोड़ा फिल्म के थोड़े थोड़े पार्ट्स में ऐसा दिखाया, तो लाइक आपको वो वैसी फीलिंग आएगी कि आप भी खुद एक वो वीडियो देख रहे हैं जिस जो बेनी नाम के लड़के ने शूट की थी। सो वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। और इवन जब भी मैं एक माइकल हानिके का मूवी देखता हूँ तो तभी मुझे ये एक एक्सपीरियंस लगता है कि लाइक उनका उनका शॉर्ट टेकिंग ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि ऐसे ही अपने कैमरा के थ्रू वो कैरेक्टर को फॉलो करते रहते हैं। और फिर जाके बहुत बार क्या करते हैं कि वो कैमरा को कट नहीं करते और वो ऐसे ही चलने देते हैं कैमरा को, जो वो वही एक उनकी बहुत ही अच्छी यूनिकनेस है उनकी डायरेक्टिंग स्टाइल्स में, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो लाइक इवन लाइक ये एक्चुअली बहुत ही ब्रूटल फिल्म लगती है, लाइक आप जब देखेंगे लाइक आपको भी ऐसे ही लगेगा। सो इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, सो और वहाँ पे भी लाइक बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। सो इस फिल्म को आप DVD में देख सकते हैं। सो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है 1960 की एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कॉल्ड पीपिंग टॉम, डायरेक्टेड बाय माइकल पॉवेल। सो बेसिकली ये फिल्म में एक कैमरा ऑपरेटर रहता है एक मोशन पिक्चर के लिए। वो क्या करता है एक लाइक एक किलिंग स्प्री के लिए लाइक उतर आता रहता है। सो वो लाइक बहुत सारे मर्डर्स करता है, लेकिन इस लाइक इस फिल्म में ऐसा दिखाया कि वो एक बहुत ही यूनिक तरीके से मर्डर करता है कि वो जब भी मर्डर करता है तो तभी वो मर्डर का वीडियो भी निकालता है और वो वीडियो बाद में वो ऐसे देखते रहता है वो प्लेजर के लिए। सो वो कैसे निकालता है वो देखने की बात है, और आगे वो उसके साथ क्या होता है उसके लिए ये फिल्म आपको देखना होगा। सो फन फैक्ट, ये फिल्म एक्चुअली 1960 में रिलीज़ हुआ था और अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको भी वही साल पे रिलीज़ हुई थी, और दोनों फिल्म सेम ही लाइंस पे है, आप जब देखेंगे तभी आपको रियलाइज़ होगा। और लेकिन ऐसा था कि साइको बहुत ही फेमस हुई थी लेकिन ये फिल्म ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी, ऐसा हो गया था। लेकिन ये फिल्म बहुत सारे फिल्म मेकर्स को बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिल्म लगी है अभी भी। इवन इस फिल्म का ओपनिंग शॉट भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है, क्योंकि इस फिल्म का ओपनिंग शॉट एक POV शॉट है, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट है, जहाँ पे वो मर्डरर ऐसे एक मर्डर करता है। लेकिन ऐसा लाइक डायरेक्टर माइकल पॉवेल को ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे 1960s में जो ऐसे मर्डर्स ब्रूटल और ब्लडी वायलेंट मर्डर्स ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते। तो उन्होंने क्या किया था कि ऐसे लाइक ऐसे क्लोजअप शॉट्स लिए थे उनके जो कैरेक्टर जिसका मर्डर हो रहा है उसके रिएक्शन शॉट्स, और मर्डर को फ्रेम के बाहर रखते थे। सो वैसे उनके रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे से खेला था उस ज़माने में। सो ये बहुत ही ब्रिलियंट बात थी और एक बहुत ही लाइक यूनिक बात थी।
सो ये फिल्म भी एक्चुअली एक बहुत ही स्लो बर्नर फिल्म है, लेकिन आई एम श्योर आप जब फिल्म देखेंगे आपको भी बहुत स्लो लगेगा, लेकिन आप जब जब तक आप क्लाइमैक्स पे आएंगे तभी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही कुछ यूनिक देखा वैसे लगेगा। और ये फिल्म भी बहुत ही एक डार्क फिल्म है और सच में लाइक ऐसी ये फिल्म है। सो आप जब ये फिल्म देखेंगे भी तभी आपको उस ग्रिटी रीज़न के बारे में भी पता चलेगा कि ये बंदा मर्डर्स क्यों करता है और कैसे करता है उसके बारे में। सो और एक फन फैक्ट, एक्चुअली ये मार्टिन स्कॉर्सेसी जो लेजेंडरी डायरेक्टर है उनकी एक बहुत ही ये फेवरेट फिल्म है और उन्होंने ही एक्चुअली इस फिल्म का रेस्टोरेशन और री रिलीज को सुपरविजन किया था। और ये फिल्म भी और फर्स्ट फिल्म बेनीज वीडियो दोनों एक साइकोपैथ्स के रिलेटेड ही फिल्म्स है और दोनों बढ़िया एक डबल बिलिंग फिट हो सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई फिल्म रिकमेंडेशंस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैंने एक पॉडकास्ट सीरीज़ भी मैंने शुरू किया है जिसका नाम है सिनेमा वाली बातें। सो मैंने लास्ट वीक ही एक एपिसोड रिलीज़ किया था शिखा जैन के साथ। सो ज़रूर देखेगा वो एपिसोड।